हेलो फ्रेंड्स, फॉलोअप क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसका मेन क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ डिसीजन मेड बाय अदर्स और समवन दैट यू डिसएग्रीड विथ। ये जो मेन क्यू कार्ड है उसके वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगाई है ताकि आप इस क्वेश्चंस को उस क्यू कार्ड के साथ कनेक्ट करके वापस से सुन पाए और समझ सके। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्जामिनर के पास ये बात की फ्रीडम रहती है कि वो आपको फॉलोअप क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे, लेकिन ये ज़रूर मुमकिन है कि आप अपने क्यू कार्ड में जो भी आइडियाज़ डिस्कस करोगे उसी में से कुछ आइडियाज़, कुछ वर्ड्स या फिर कोई कॉन्सेप्ट्स उठा के आपको एग्जामिनर पार्ट 3 के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज मैंने आपके लिए जो क्वेश्चंस और उसके आंसर्स प्रिपेयर किए हैं वो मुझे लगता है कि शायद आपको पार्ट 3 में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको मेरे आइडियाज़ की पीडीएफ बुक को परचेज करना है तो दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस बुक में 1 to 78 के सारे नए क्यू कार्ड्स हैं और उसके फॉलोअप क्वेश्चंस भी हैं। सारे आइडियाज़ यूनिक है, मैंने बनाए हैं और सबसे अलग हैं। चलिए अब वन बाय वन क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। Why do you think that most people agree with their people? आपको क्यों लगता है कि ज़्यादातर लोग अपने लोगों से यानी अपने करीबी लोगों के साथ हर बात पे सहमत हो जाते हैं, agree हो जाते हैं? Maybe to be a part of the group, to be liked and to maintain solidarity. शायद ग्रुप का हिस्सा होने के लिए, लोग उनको पसंद करें इसलिए, और एकता बनाए रखने के लिए, solidarity यानी यूनिटी, एकता। Some people also do not have the courage to differ. It is brave to take a stance and stick to your ideas. कुछ लोगों में अलग होने की हिम्मत भी नहीं होती, लोगों से अलग आइडियाज रखने में और उनका अपोज करने में हिम्मत चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Can we disagree with someone and still be friends with them? क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी से असहमत हो और उनके दोस्त भी हो? Yes, why not? जी हाँ, क्यों नहीं। Being friends with someone may not mean that we like and agree to everything about each other. हम अगर किसी के दोस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनकी हर बात पसंद आए और हम उनकी हर बात पे सहमत हो। We may agree to disagree. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम disagree करते हैं, लेकिन वो बात पे भी हम सहमत हो सकते हैं कि हमारे ख्याल इस चीज़ में अलग अलग है। We have to learn and respect each other in spite of differences of opinions. हमें सीखना चाहिए और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए भले ही हमारे ओपिनियंस यानी हमारी राय कोई मामले में अलग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शुड वी ऑलवेज कंप्लाई विद अथॉरिटी? क्या हमें हमेशा अथॉरिटी के साथ कंप्लाई करना चाहिए यानी वो जो कहे वो बात माननी चाहिए? नॉट नेसेसरी, जी ज़रूरी नहीं है। अथॉरिटी कैन बी रॉन्ग टू, अथॉरिटी गलत भी हो सकती है। However, mostly due to fear and respect, most people prefer to comply with the authority. लेकिन कभी कभी डर और रिस्पेक्ट की वजह से ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वो अथॉरिटी जो कहे वो बात से सहमत हो जाए या फिर उनकी बात मान ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डू यू थिंक दैट सम पीपल ऑलवेज डिसअग्री पर्पजली? क्या आपको लगता है कि कुछ लोग हमेशा जानबूझ के लोगों के साथ डिसअग्री होते हैं यानी अपनी असहमति दिखाते हैं? वेल, मे बी येस, जी हो सकता है शायद। समटाइम्स पर्सनालिटीज एंड एटीट्यूड ऑफ सम पीपल स्टॉप्स देम फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग एंड अग्रीइंग टू अदर्स। दे डू इट ऑन पर्पस टू शो देयर वर्थ। कभी कभी कुछ लोगों का व्यक्तित्व और उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो दूसरों को समझने में और उनके साथ सहमत होने में अटक जाते हैं और कतराते हैं। वो जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि वो अपना महत्व दिखा सके। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। What will you do if your dear ones do not agree with you on something? अगर आपके करीबी लोग आपके साथ कोई बात पे सहमत नहीं होते हैं तो आप क्या करोगे? I will try my best to convince them and explain them my viewpoint. मैं ज़रूर प्रयत्न करूँगा, अपना बेस्ट प्रयत्न करूँगा उन्हें कन्विंस करने का और उन्हें मेरा दृष्टिकोण समझाने का। Their agreement is important for me. I will discuss with them and try to know their viewpoint too. उनकी अग्रीमेंट मेरे लिए ज़रूरी है, मैं उनके साथ चर्चा करूंगा और उनका दृष्टिकोण भी जानने का प्रयास करूंगा। सो फ्रेंड्स, ये फॉलोअप क्वेश्चंस का जो मेन वीडियो है, मेन क्यू कार्ड है, उसकी लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है। यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप उसकी लिंक देख सकते हो। अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चंस आते हैं जो आपको लगता है कि शायद आपको पूछे जा सकते हैं इस क्यू कार्ड से कनेक्शन में, तो आप बेझिझक मुझे इसे कॉमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट।